कोरोना महामारी से अब तक पूरे देश में हजारों लोगों की मौतें हुई है। नागपुर में भी कोरोना वायरस ने दर्जनों से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दी है। कोरोना वायरस घर हो, दुकान हो या हो फिर ऑफिस, सभी जगहों पे दस्तक दे रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इनबीसीएन न्यूज चैनल बीटीपी यात्रा और वाघोबा नगरी ऑफिस में थर्मल फॉगिंग मशीन से सैनिटाइजेशन किया गया। कोरोना के संक्रमण की रोकथाम करने के लिए यह काम निश्चित रूप से सराहनीय है। कोरोना का संक्रमण यदि रोकना है तो मास्क पहनना चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, ऐसे भी कहा गया है। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस जो जानलेवा साबित हो रहा है। कोरोना वायरस की यदि रोकथाम करना हो तो घर हो या ऑफिस, हर तरफ सैनिटाइज करना बेहद जरूरी हो गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नागपुर के बीसीएन न्यूज चैनल ऑफिस, बीटीपी यात्रा ऑफिस और वाघोबा नगरी ऑफिस में थर्मल फॉगिंग मशीन से ऑफिस को सैनिटाइज किया गया। थर्मल फॉगिंग मशीन से सैनिटाइज करने से पहले पीपी किट पहन रहे यह है कमलेश। कमलेश ने अब तक के कई शहर के ऑफिसेस में थर्मल फॉगिंग मशीन से सैनिटाइज किया है। थर्मल फॉगिंग मशीन से सैनिटाइज करना बेहद आसान है, जिससे कम समय में ज्यादा जगहों को कम समय में कवर कर सकते हैं। इससे 100% कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और घर की चीजों को हानि नहीं पहुंचती है। सर्विस अप्लायंसेस के माध्यम से अब तक के लोगों को काफी सहयोगी हुआ है। कोरोना का संक्रमण किसी को भी हो सकता है, बशर्ते हमें अपने और अपने लोगों की खास देखभाल करना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज थर्मल फॉगिंग मशीन से सैनिटाइज किया गया। इस बारे में इनबीसीएन न्यूज चैनल के एचआर अर्चना इन्होंने जानकारी दी। आप सभी को पता है कोरोना का संक्रमण बहुत बढ़ रहा है, और दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉयज के सुरक्षा के लिए ये ऑफिस पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है आज। देन उसके बाद एम्प्लॉयज को मास्क कंपलसरी किया है, यहाँ पे सैनिटाइज किया, यानी उन लोगों को सैनिटाइज भी करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। आप भी सैनिटाइज करिए, मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए। कोरोना का यदि संक्रमण रोकना है तो हम सबको अलर्ट होना बेहद जरूरी है। यदि हम अलर्ट नहीं होंगे तो इसकी रोकथाम भी नहीं कर सकते। कोरोना की रोकथाम करना यही समय की मांग है। तो आप देख रहे कि आप है कमलेश, जो यहाँ पे फॉगिंग मशीन को लेके पूरे ऑफिस का सैनिटाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही एक खास बात है कि कोविड-19 की रोकथाम करने के लिए इस प्रकार के कामकाज किए जा रहे हैं। जो जर्म्स जो होते हैं कोरोना के, और इसका जो संक्रमण बड़ी तेजी से पनप रहा है, इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है। चाहे घर हो, ऑफिस हो या और कई ऐसा जगह हो, वहां पे करना बेहद जरूरी है। कि इस फॉग मशीन से आप देख सकते हैं, थोड़ा कैमरा पैन कीजिए कि किस तरह से ये जो धुआं जो दिखाई दे रहा है, ये जो फॉग हुआ है, इसके अंदर इस प्रकार का ये सैनिटाइज मिलाया जाता है, और ये सैनिटाइज मिलाने के बाद इस फॉग मशीन में लगाया जाता है, जिसके बाद में यहां पे पूरी तरह से इसको स्प्रेइंग किया जाता है। स्प्रेइंग करने के बाद में ये कामकाज होता है। पूरा ऑफिस का सैनिटाइज होने से एक बात तो है कि कोविड-19 का जो संक्रमण है उसकी रोकथाम कर सकते हैं। इस समय में हमारे साथ में इस फॉग मशीन को चलाने वाले, संचालित करने वाले अमोल शेंडे जी, उनसे जानना चाहेंगे। शेंडे साहब, ये पता है कि जिस तरह से आज ये फॉग मशीन का कामकाज किया जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण होता है? सर, आता कोविड-19 जैसे शुरू है, एक मराठी मध्ये चालेल ना, हाँ, कोविड-19 जसं सुरू आहे तर लोकांना अजूनही अवेअरनेस नाही आहे त्या गोष्टीबद्दल, लोकांना एक समजत नाही आहे आणि ती एक भीती नाही आहे। जर कोणाला असं कोविड असं वाटत आहे की आपल्याला एक संक्रमित झालं आहे किंवा व्हायला नाही पाहिजे, त्यासाठी आपण फॉगिंग करून घेतलं पाहिजे आणि सॅनिटायझेशन करून घेतलं पाहिजे ऑफिसचं, ते खूप गरजेचं आहे। आता चला सर, ये बताए की इस जो फॉग मशीन जो आपके पास में, इस फॉग मशीन में क्या क्या होता है? ये फॉगिंग मशीन म्हणजे हे थर्मल फॉगर मशीन आहे, त्याच्यामुळे काय होतं की याला 0.01 पार्टिकलमध्ये एक मायक्रॉन्समध्ये याचा धुवा निघतो आणि तो धुवा सगळ्या आपल्या रूममध्ये स्प्रेड होऊन सगळ्या गोष्टीला तो सॅनिटाईज करून देतो आहे। याच्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक वस्तू झालं किंवा किचन अप्लायन्सेस झालं किंवा घरच्या कोणत्याही वस्तू झाल्या, याला कोणता त्रास होत नाही आणि काही फरक पडत नाही। तो यही अच्छा काम होता है इस फॉग मशीन के जरिए, जो सैनिटाइज किया जाता है, जिससे पूरे जो जर्म्स है वो पूरी तरह से मर जाते हैं। कोविड का प्रादुर्भाव रोकने के लिए, इसका संक्रमण रोकने के लिए इस तरह के कामकाज करना हर ऑफिसेस, हर मकान में, हर घरों में करना बेहद ज़रूरी है। और आज इनबीसीएन के ऑफिस में भी यह पूरा सैनिटाइज किया गया है, जिसके चलते पूरी प्रिकॉशन ली जाती है कि कोरोना का संक्रमण यदि रोकना है तो फॉग मशीन के जरिए सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे तो हमारा देश भी बलवान होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।